की हाल चाल मित्रों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मौज में होंगे। मौज में रहना सीखो यार, खुश रहना सीखो। ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी बहुत कमी नहीं है साहब, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको निकल जाएगी एक दिन। यहाँ तो सूरज चांद सितारे भी एक दिन निकल जाएगी मौत। तो तुम क्या चीज़ हो यार, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हारी औकात ही क्या है, 50-60 साल बस। और इसी में हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं, तूने कभी सोचा है? घर चाहिए, पद चाहिए, 50 मकान बनाने हैं, 100 फैक्ट्रियां खड़ी करनी है, मुकेश अंबानी बनना है, बिल गेट्स बनना है, क्या करोगे यार बन करके? कभी गौर करो ना अपनी जिंदगी पे कि मैं कर क्या रहा हूँ। जरा ठहरो, रुको, क्या जिंदगी इन्हीं सब गंदे और दो कौड़ी की चीजों को इकट्ठा करने के लिए मिली थी कि कुछ और पाना था? जरा ठहरो, रुको, क्यों भाग रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो, क्या पाना चाहते हो, किस सुंदर स्त्री के तलाश में हो? थोड़ा ठहरो यार, रुको तो ही बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी यार। सभी लोग ऐसे ही गुजर जाते हैं, कुछ कमाते हैं, कुछ पाते हैं और अंततः सब खो जाता है और मर जाते हैं। तुम भी ऐसे ही जीना चाहते हो तो जी लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सभी ऐसे ही जी रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना कि इसी पृथ्वी पर कुछ अन्य लोग भी पैदा होते हैं जो तुमसे ऊपर का कमा कर जाते हैं। बुद्ध, कृष्ण, महावीर जैसे लोग तुमसे ऊपर का कमा के जाते हैं और जीवन बहुत सफल जाता है भाई। तो तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूँ उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और आप इसे अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत दवा के बारे में। बहुत अद्भुत दवा है यार, इसके बारे में तुम्हें कोई बताएगा नहीं, ध्यान रखना। मैंने ग्रंथों से उठा करके तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छा काम करती है बहुत सारे रोगों को दूर करने में। अगर तुम्हें हड्डियों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, घुटनों में कैल्शियम की कमी है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, कमर में हमेशा दर्द होता है, गठिया है, अर्थराइटिस है, जितनी भी तरीके की बीमारियां हैं तुम्हें, मांसपेशियों में हमेशा दर्द होता है, सूजन हो गई है और तरह तरह की पता नहीं सैकड़ों बीमारियां हैं, उन सभी के इलाज में ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है यार। उपयोग करोगे, मंगाओगे तो इससे होने वाले जब फायदे तुम्हें दिखेंगे तो तुम अपने आप इसका सहज में उपयोग करना शुरू कर दोगे और तरह तरह की गंदी गंदी दवाइयों को खाने से बचोगे। बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत सारे रोगों के इलाज में बहुत उपयोगी होती है। यदि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तो उन्हें जो जॉनसन्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, तुम पता नहीं कौन कौन से पाउडर लगाए जा रहे हो, उनको तेल लगाए जा रहे हो, गंदे गंदे तेल, थोड़ा एक बार इंग्रेडिएंट्स भी झाँक कर देख लिया करो कि मैं अपने बच्चे की बॉडी पर लगा क्या रहा हूँ, डाल क्या रहा हूँ, थोड़ा एक बार देख लो ना ब्रो, ठीक है। और ये तो ये जो औषधि है, ये जो दवा है, ये जो तेल है, ये बच्चों को मालिश करने के लिए सबसे उत्तम है। यदि तुम बच्चों का शरीर इस चीज़ से मालिश करोगे तो बच्चों की मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, हड्डियां एकदम सख्त बनेंगी, उनकी शारीरिक दुर्बलता दूर होगी, वो लोग मजबूत बनेंगे। मैं बात कर रहा हूँ तिल के तेल के बारे में। तिल का तेल यार इतना अद्भुत है हमारे आयुर्वेद में, इतनी अद्भुत दवा है हमारे आयुर्वेद की। लेकिन ये जो तरह तरह की जो फार्मेसी कंपनियां हैं, जो तरह तरह के जो मार्केट में नई नई दुकानें खुल गई हैं, नए नए ब्रांड खुल गए हैं जो कि हमें तिल के तेल से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनसे होने वाले फ़ायदों के बारे में जान जाएंगे तो उनके प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो जाएंगे। इस बात को समझो, समझ रहे हो? तो यार अपने आयुर्वेद में थोड़ा झांक करके देखो, थोड़ी पुस्तकों को खंगालो और देखो कि हमारे आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने छोटी छोटी औषधि से होने वाले अद्भुत फायदों के बारे में बताया है। उसका उपयोग करोगे तुम्हें इन गंदी गंदी दवाओं के सेवन से छुटकारा मिलेगा, समझ रहे हो? तो इस बात को समझो। तो तिल का तेल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है यार, यदि तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर है, आर्थराइटिस है, हमेशा शरीर में दर्द होता है, ऐठन होती है, गठिया है, बच्चों के शरीर में कई दफ़ा कमज़ोरी हो जाती है, तो बच्चों के सर पे जो है स्टार्टिंग में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके सर पे हम लोग सरसों का तेल रखते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन यदि आप तिल का तेल अगर उनके सर पे लगाते हैं तो उनकी जो खोपड़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, साथ ही उनकी मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होती हैं, हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, हड्डियाँ एकदम सख्त हो जाती हैं, लोहे की तरह हो जाती हैं। और तिल का तेल बहुत बेनिफिशियल होता है यार, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम भरपूर मात्रा में भर भर के होता है। इससे मालिश करो बच्चों की, अपने शरीर की मालिश करो, थोड़ी देर जाकर के ठंडी आ गई है, मालिश करके धूप में बैठो, देखो तुम्हारी सारे रोग, जितने भी हड्डियों संबंधित रोग हैं, मांसपेशियों में जो दर्द हो रहा है, जो भी है यार, सब दूर हो जाएगा। ये बहुत सारे रोगों के इलाज में बहुत अच्छा काम करती है। इससे मालिश करो, इसका उपयोग करो और अपने बच्चों के शरीर पे तरह तरह के केमिकल के उपयोग से बचो, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका उपयोग करना शुरू करो यार, ये बहुत अच्छी दवा है, मालिश करना शुरू करो, इसका सेवन करना शुरू करो और इससे होने वाले फ़ायदों को लो। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और बहुत सारे रोगों के इलाज में बहुत अच्छा काम करती है, हृदय को मजबूत करती है, साथ ही हमारे शरीर को मजबूत करती है, शरीर की कमज़ोरी दूर करती है। इसका उपयोग घी की तरह करो,
खाना बनाने के दौरान तिल सरसों के तेल का उपयोग मत करो, तिल के तेल का उपयोग करो, देखो इससे कितने फ़ायदे होते हैं तुम्हें, उपयोग करो यार, तो ही आप इससे होने वाले फ़ायदों को ले पाओगे। तो आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, वीडियो को शेयर किया करो यार, कमेंट किया करो, ताकि हमारी वीडियोस अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलो मैं मिलता हूं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हैप्पी रहो, मौज में रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, चलो जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, चलो डन डन डन, बाय बाय, खुश रहो।